प्यारे बच्चों जय हिंद, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं एसिड के कुछ और केमिकल रिएक्शन। तो इसके पहले आप मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और उसमें बनने वाले जो बाई प्रोडक्ट था हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, उसका लेबोरेटरी टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज एसिड का कुछ और केमिकल रिएक्शन यानी मेटल ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड बेस और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। तो आपको मैं बता दूं कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। मतलब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब बेस के में आप एसिड मिलाएंगे यानी मेटल ऑक्साइड में एसिड मिलाएंगे तो आपको क्या फाइंड करना, एक्सपेक्ट क्या करेंगे, एक्सपेक्ट क्या करते हैं, साल्ट एंड वाटर। सही बात है, एकदम 100% सही है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है, एकदम सच है। तो अब जैसा मेटल ऑक्साइड होगा वैसा साल्ट होगा। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम को आप डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेट किसी के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसका साल्ट क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड और क्या होगा, वाटर होगा। तो ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड। जैसा साल्ट वैसा आपका, जैसा कंपाउंड यहाँ पर ऑक्साइड रहेगा वैसा आपका साल्ट होगा। चलिए दूसरा लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड यदि आप डायलूट H2SO4 से रिएक्ट कराएं क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट क्या मिलेगा, कॉपर, यहाँ पर H2SO4 ले रहे हैं, हमें वाटर ले लिए, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट और क्या बनेगा, वाटर, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये तो ऊपर ही लिख दिए हैं कि साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है, साल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, जनरली मेटल ऑक्साइड में जैसे आप ले लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O, आप इसको HNO3 से रिएक्ट करा दें तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा क्या, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा, NaNO3, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। चलिए ये तो हो गया मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर बनाता है, जनरल हो गया, एग्जांपल आप देख लिए। अब बात करते हैं एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। तो आप पहले से जानते हैं कि बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता है, पहले से पता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद नॉन मेटल का देखेंगे। तो एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ हो गया, अब बेस के साथ देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेस के साथ। तो जैसे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देंगे, बेस, ठीक है, बेसिस, जैसे NaOH आपका क्या है, बेस है, एसिड में आप HCl मिला दीजिए क्या बनेगा, NaCl और वाटर, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप अगला ले लीजिए बेस में, चलिए आप ले लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसमें आप डाइल्यूट या कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करिए क्या मिलेगा, एक्सपेक्ट क्या करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट एक्वस, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। बैलेंस करना आपके हाथ में, आप सीख चुके हैं कि यहाँ पर CH4 हो गया, दो हाइड्रोजन है, दो चार हो गया, यहाँ दो कर दीजिए, ऑक्सीजन कितना है, दो, बैलेंस हो गया। उस तरह से आप यदि आप कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, इसमें डाइल्यूट या कंसंट्रेट HCl ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, बैलेंस मैंने कहा आप सीख चुके हैं। तो ये हो गया बेस के साथ एसिड क्या बना, रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर बनाता है। चलिए एक रिएक्शन आपके कमेंट करने के लिए, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको आप यदि आप एस्टिक एसिड से CH3COOH से रिएक्ट कराएं तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर वाटर बनेगा और इस प्रोडक्ट बनेगा जो साल्ट, उसका केमिकल फार्मूला लिखिए, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ अमोनियम एसीटेट, इसका
क्या नाम है, अमोनियम एसीटेट, ये नाम में बता दिया आपको। इसका केमिकल फार्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए ये तो हो गया बेस के साथ। नेक्स्ट आप है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। क्या एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है या कुछ और बनाता है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको रिएक्शन देखना होगा। चलिए देखते हैं। तो अब एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, डिफरेंट मेटल नॉन मेटल के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, जैसा नॉन मेटल होगा वैसा आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन के साथ यदि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कराते हैं एसिड का, तो क्या मिलता है। देखिए जो मेटल रहेगा, जो नॉन मेटल रहेगा उसका ऑक्साइड बनेगा। जनरली ये आप याद रखिए पहले कि जो मेटल नॉन मेटल रहेगा उसका ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ कार्बन है तो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बना रहा है, CO2 वाटर और नाइट्रिक NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस करना आपके हाथ में है। देखिए वाटर सब में बनेगा, एसिड किसी के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर क्या हो रहा है, सभी में बन रहा है। पहला चीज़ बाय प्रोडक्ट में क्या है, वाटर बन रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या और बन रहा है, यदि कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो देखिए चाहे नाइट्रिक एसिड के साथ हो या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो, बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर NO2 बना है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना है। तो क्या क्या आप कह सकते हैं कि जब नॉन मेटल के साथ जैसे कार्बन के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह से बैलेंस करना, देखिए मैंने कहा कि बैलेंस आप सीख चुके हैं, वो आप कर लीजिएगा। फास्फोरस को, फास्फोरस कैसे लिखते हैं, P4 लिखते हैं, यानी ये सॉलिड फॉर्म पाया जाता है तो P4 लिखते हैं, ठीक है। यदि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो H3PO3 फास्फोरिक एसिड बनाता है। देखिए ये नाइट्रिक एसिड यहाँ एसिड रिएक्ट किया तो एक दूसरा एसिड बना क्या, फास्फोरिक एसिड, और बाय प्रोडक्ट में फिर से वाटर और NO2 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो फास्फोरिक एसिड फिर से वाटर और SO2, यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपको ये याद रखना है कि ये क्या क्या बन सकता है, तो फास्फोरिक एसिड बन रहा है। चलिए अब देखिए सल्फर, सल्फर या सेट सल्फर के एक सेट लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, केवल दो चीज़ क्या है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। यदि ये वाटर ये सल्फर डाइऑक्साइड में घुलता है तो फिर से क्या, सल्फ्यूरिक एसिड ही बनता है। पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर से किस में बदल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में एसिड सल्फर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो निकल जाएगा तो केवल वाटर रहेगा, यदि वो रुका रहेगा उसमें तो घुल कर पहले सल्फर इस अल्टीमेटम किस में बदल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन और बेस के साथ रिएक्शन। तो एसिड का जितने भी आप क्या क्या पढ़ लिए हैं, नॉन मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ये छह तरह का रिएक्शन आप केमिकली देखे हैं। अब एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, यानी एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं, तो आपको ये याद रखना है, लैब में कभी भी जाएंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करते समय किसको किस में मिलाना है। तो आपको याद रखना है कि पानी यानी वाटर, वाटर में आपको क्या करना है, वाटर में ये जो एसिड है कोई भी एसिड हो वाटर में, ठीक है, वाटर ज़्यादा रहेगा, एसिड को वाटर में ऐड करना है, ये सही प्रोसीजर है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट जो निकलता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन आप यदि उल्टा काम करेंगे, एसिड में वाटर मिलाएंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और क्या कर देगा, फेंक देगा, मतलब आप जल सकते हैं, यानी हीट जो सडनली प्रोड्यूस होता है वो एसिड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एसिड का डाइल्यूशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट क्या होता है, निकलता है तो कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक यानी हीट निकल रहा है, तो ये वाटर ज़्यादा रहेगा या वाटर मिलाएंगे तो वाटर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन आप ये उल्टा करेंगे, एसिड मिलाएंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो सोल्यूशन आपका
वो ऊपर फेंक देगा, जो टेस्ट ट्यूब में लिए हैं या बीकर में लिए हैं, तो वो क्या कर देगा, आपके चेहरे पर आ सकता है, इसलिए ऐसा कदापि न करें। तो ये प्रोसीजर क्या है, सही है, क्लियर है। एसिड का डाइल्यूशन इस तरह से करते हैं। तो आप एसिड के केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बेस की बात करेंगे, जैसे एसिड की बात किए तो जैसे बेस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो देखें, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विचार बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपका डाउट हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।